यहाँ जब भी वोटिंग होता है तो लोकल बोकल में कोई दिखता नहीं है सर, पार्टी देखते हैं बस। डिमांड तो ऐसे क्या, अभी कोई डायरेक्ट तो डिमांड वो फुलफिल कर नहीं सकता, एमएलए होगा तो क्या कर देगा। जे करवानुं छे ए नथी थतुं, बाकी बधुं अलग अलग ज थाय छे। बाकी हमारी डिमांड कोई कुछ भी नहीं है, बस जैसे ये लोग आते हैं वोटिंग के लिए वैसे ही आए और प्रजा के हित में कुछ करे बस। So right now TFF has reached on the main street of Karjan, the main market where all of these local tailors or say local mechanics, local shops, provision stores or ready-made clothing stores are located. Now over here the conversation that we are going to have with these people is according to me a vital one, because these people have witnessed a couple of parties come rule this constituency and they are very well aware of what the needs and demands of people are. How can those needs and demands be catered and what are the solutions to the problems that this particular constituency has been facing ever since the former MLA from this particular constituency quit the party and changed his party. Ji, sabse pehle to kaisa mahol hai is waqt? Mahol to barabar theek hai, jama hai barabar, chalu hai sab. कोरोना पैंडमिक के बीच में इलेक्शंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोटिंग पे इसका असर दिखेगा? कोरोना का भी इतना इफेक्ट दिखता नहीं है, लोगों को भी नॉर्मल हो गया है, सब अपने आप संभल के चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो है आप बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से, वो आपका टेलरिंग का शॉप भी आप काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट्स में भी आते हो, तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है करजन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसकी नीड्स क्या क्या है, क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या वो केटर हो रही है? ये चल तो क्या है कि अभी हमारा जो एक्स एमएलए था वो कांग्रेस का था, अभी उसको इतना ग्रांट सेंशन होता नहीं था, तो जो करजन नगर में जो काम होते थे नगर पंचायत के, रोड के या दूसरे पानी के नल के, वो सब अभी थोड़ा डाउन है। पहले भाजपा के टाइम में बहुत ज़ोरों से उपड़ा था, अभी थोड़ा डाउन हो गया है, अभी फिर से क्या होता है अभी देखेंगे। सर जो करजन के जितने भी लोग हैं क्या वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी या फिर एक पर्टिकुलर इंसान को देख के अपने वोट्स कास्ट करते हैं या पार्टीज को देख के वोट कास्ट? पार्टी को देख के वोट देते हैं। तो इस बार फिर कौन सी पार्टी आएगी? भाजपा का चांस है। राइट, बट कहीं ना कहीं अक्षय पटेल जो कैंडिडेट है कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनकी खुद की एक अलग ही पॉपुलैरिटी है इस पूरे एरिया में। नहीं वो तो बहुत पता नहीं है, लेकिन वो लीलोड़ गांव से है और खासा पुराना है। जो इस बार करजन के कांग्रेस से जो कैंडिडेट है उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोकल नहीं है, तो क्या वो लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे? ना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जब भी वोटिंग होता है तो लोकल बोकल में कोई दिखता नहीं है सर, पार्टी देखते हैं बस। और आप इतने सारे लोगों के संपर्क में आते हो तो लोगों की क्या क्या डिमांड्स, लोग क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे? डिमांड तो ऐसे क्या, अभी कोई डायरेक्ट तो डिमांड वो फुलफिल कर नहीं सकता, एमएलए होगा तो क्या कर देगा, वो मास में वो फिल वो कर सकता है कि भाई मास काम करवाया है, तो लोगों को वो है कि भाई रोड रास्ता पानी का लाइट का सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, बाकी तो क्या इंडिविजुअल कोई वो डिमांड पूरी कर नहीं सकता है, कोई भी एमएलए नहीं कर सकता है, भाई भाजपा का हो कांग्रेस का हो कोई भी हो, लेकिन मास में वो कर सकता है, तो मास डिमांड रहती है कि भाई रोड रास्ता अच्छा रहे, लाइटिंग पानी का नल का पर टांकी बाकी बनावे, ऐसे प्रॉब्लम में वो ग्रांट लेके आया तो अच्छा है। सर करजन के लोग इस वक्त क्या क्या मुसीबतें फेस कर रहे हैं? बहुत मुसीबतें, क्या मुसीबत तो किसी की दूर होती ही नहीं है। सॉल्यूशंस क्या, डिमांड्स क्या है आपके? क्या डिमांड? राइट, सो समवेयर ऑन द अदर वी आर गेटिंग दिस पिक्चर that all of these experienced people are somewhere or the other so done in a way with what is happening. क्या कहेंगे आप हाल में, क्या what is the next, क्या best solutions है for all of the problems जो हम देख रहे हैं? प्रॉब्लम ना तो कोई पार छे नहीं, बधुं अपार ज छे। चूंटणी आवशे तो बधा देखाशे, चूंटणी गई तो बधा गुम, चूंटणी गई तो ये गया, बाकी यहाँ कोई जोवा आवतुं नथी, कोई जोतुं ही नथी।
આજે આટલા આટલા મહિનાઓથી કોરોનાનો જે ચાલી રહ્યો છે ક્રેઝ, એમાં તમે બજારમાં જોશો પબ્લિક બી દેખાતી નથી, ટ્રેનો બંધ છે, 50% બસો પણ બંધ છે. તો આ ક્રેઝની અંદર હાલમાં અત્યારે એવું જોવું જોઈએ, આજે અત્યારે ચૂંટણી આવી રહી છે, એનું કારણ અક્ષય પટેલ જે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયા, હવે શું સાબિતી કે હવે આ બીજા જે ચૂંટણી આવશે એ પક્ષ પલટો નહીં કરે, તો શું આનું કોઈ સોલ્યુશન આવશે ખરું? તો પછી જનતા હે જબ વોટ કરતી હૈ તો કિન મુદ્દો કો ધ્યાન મે રખતી હૈ? બીકોઝ જૈસે આપ કહે રહે કે વો લોગ આતે નહીં હૈ. આ જમાનાની અંદર જનતાને એક હાથે વોટ લો અને એક હાથે નોટ લો, આ જોરે જ અત્યારે આ બધી ચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી છે. હું તો ચોખ્ખું જ કહું છું, નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં બી જુઓ, નોટ લો વોટ લો. અત્યારે આ ચાલી રહ્યું, જ્યાં જુઓ ત્યાં કાં તો દારૂની બંધીઓ ચાલશે, દારૂની મહેફિલો ઉપડશે, કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ તમને દેખાશે નહીં. જે કરવાનું છે એ નથી થતું, બાકીનું બધું અલગ અલગ જ થાય છે, બાકી બીજું કશું થતું નથી. What as per what he is saying, it is somewhere or the other, like I said, they've lost all hopes and they think that these people, they come to them once before the elections and before the voting happens and then they're just disappear, they don't come again. जी आप क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी डिमांड्स है आप लोगों की इस बार बाई इलेक्शंस में? हमारी डिमांड कोई कुछ भी नहीं है, बस जैसे ये लोग आते हैं वोटिंग के लिए वैसे ही आए और प्रजा की हित में कुछ करे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें. तो इलेक्शंस के बाद पॉलिटिशियंस आते नहीं आपके पास? नहीं, वोटिंग के बाद नहीं आते, मगर अब आए ऐसा हमारा कहना है. So once again, I think this is the conclusion that all of these people that we spoke to, where we are currently is the main market of Karjan. These people, their shops are say decades old, they have been trading over here since years now. And this is what their opinion is, that the politicians or whosoever the candidates are, they do come to them, they do reach them out, but that's only and only before the elections. Once the elections are over, once the voting process is done, all of these politicians just disappear. And their demand is that the way they approach them before the elections, the approach should remain the same post elections and post voting as well. With this, we are going to talk to a couple of more people on Karjan elections. Make sure that you stay tuned to TFF.